क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो है वो सुबह का टाइम है और जा रहे हैं रिजल्ट लेने के लिए। क्या हाल है साथ? कहाँ जा रहे हो? अच्छा, क्या करने? चलो देखते हैं अब रिजल्ट इंशाल्लाह कैसा आएगा। अच्छा है कि इंशाल्लाह? चलो इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआओं की जरूरत है कि दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छा है, आगे आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। रिजल्ट आ गया है साथ का, साथ दिखाओ। चलिए रिपोर्ट कार्ड जो है उसे ले लिए, फिर मैं घर जाके आप लोगों के साथ इंशाल्लाह। इसका प्राइस भी खुश हो शादी अम्मा, खुश हो? चलिए आप लोगों के साथ बाद में बात करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। क्या चाहिए? क्या चाहिए? गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट चाहिए? क्यों? हाँ, फर्स्ट नंबर आया है। चलो जाके अभी देखते हैं गिफ्ट का, ठीक है? क्या हाल है आप सबका, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो ये था जी मेरे छोटे बेटे का रिजल्ट, आज अनाउंस हुआ था और माशाल्लाह से फर्स्ट पोजीशन आई थी इसकी। तो इसके लिए मैंने फिर ये साइकिल, बच्चा वहाँ कह रहा था कि मैंने उसे पूछा क्या गिफ्ट चाहिए, तो उसे कहा बिस्किलेट। बिस्किलेट यानी अरबी में साइकिल को कहते हैं। तो फिर मैंने इसके पापा ने पहले से ही मुझे कहा हुआ था कि इसके लिए साइकिल देख कर लानी है, तो फिर हमने उसके साइकिल लेकर दी। और उसके बाद घर आके मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और वैसे भी आज अगले दिन मुझे जाना था बाकी बच्चों के रिज़ल्ट के लिए। तो बच्चा जो है वो खुशी से अपने दादों के पास जा रहा है ताकि उनको दिखाए कि क्या गिफ्ट या किस तरह का रिजल्ट आया है। तो आपके साथ आगे देखें आप अगले दिन की वीडियो दूसरे बच्चों के अनाउंसमेंट। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का स्टार्ट भी सुबह से है, अभी मैं सुबह के टाइम स्कूल जा रही हूँ। कल जो है वो छोटे बच्चे का रिजल्ट था, आज जो है वो बाकी बच्चों का रिजल्ट की अनाउंसमेंट है। तो कैसे हम सब, कहाँ जा रहे हो? क्या करने? कैसी हो भाई सब? क्या करने जा रही हो? क्या करने? रिजल्ट आने के लिए। चलो दुआएं मांगो, दुआएं रिजल्ट अच्छा आया ना करे। चलो इंशाल्लाह आगे आप लोग साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह कैसे आया रिजल्ट। ये थे जी बच्चों के रिजल्ट कार्ड। और बच्चे जो हैं वो मैंने आप लोगों को सब पहले वीडियो शेयर की कि बेटे को गिफ्ट लेके दिया था, बाकी इन बच्चों को मैंने अभी तक हम लोगों ने कुछ भी नहीं लेके दिया है। इनसे प्रॉमिस किया है कि इंशाल्लाह ईद के बाद, वैसे भी बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हो गई है और वैसे भी रमज़ान है और बहुत मुश्किल होता है रमज़ान में बार बार बाजार जाना, इंसान ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना इबादत में गुजारे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम ज्यादा से ज्यादा रमज़ान में इबादत कर सके और हमारी इबादत को कबूल फरमाए। इसी के साथ व्लॉग का एंड करती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।